राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हाँ, इस पौधे को आप पहचान रहे हैं। ये पौधा अमरूद का ताइवान पिंक का पौधा है और ये पौधा अब जब हमने इसको हार्ड प्रूनिंग भी करी थी और रिपोर्ट भी किया था विंटर्स में, यानी करीब करीब एक महीने पहले, आज उसका अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। देखिए, आज इसमें खूब पत्तियाँ भी आ गई हैं, छोटे छोटे, ये देखिए अब इसमें कलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, अब इसमें फल लेना है तो थोड़ी ताकत देनी होगी इसको। ताकत नहीं देंगे तो देखिए इसमें भी ये कलियाँ आनी शुरू हो गई, यानी पहले फूल निकल आएगा फिर उसमें फल बन जाए। जितने भी हमने इसमें, ये देखिए, ये सारे अब इसमें अप्रैल मई में फल लगने लगेंगे। आप देखेंगे जितने हमने कटिंग करी थी सब्जी का ऐसे ही है। दूसरे पौधे का वही हाल है, उसमें भी देखिए कलियाँ आ गई हैं। अब इसकी थोड़ा ग्रोथ स्लो है, ताकत की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें भी आ गई है। तो अब हम आज इनकी थोड़ी गुड़ाई करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा बोन मील और साथ में देंगे नीम की खली और थोड़ी सी इसमें खाद देंगे गोबर की सड़ी। हालांकि मैं सोचता हूँ आज मैं गोबर की सड़ी खाद ना दूँ, क्योंकि कल बोन मील और ये दे देते हैं, चार दिन के बाद इसमें हम वर्मी कंपोस्ट ला के जमा लगाएंगे, क्योंकि गमला पूरा भर चुका है। अब इसमें अगर हम गोबर की सड़ी खाद डालेंगे तो ज़्यादा डालनी पड़ेगी, और अगर हम खाली बोन मील और उससे काम चला देंगे तो चल जाएगा। चार दिन के बाद जरा वर्मी कंपोस्ट मेरे पास है नहीं, वो ले आऊँगा तब मैं इसमें लगाऊँगा। कुछ नहीं करना, देखिए दोस्तों हमें बस इसको ऐसे खोल लेता है और यहाँ हम नीम की खली डालेंगे और इसी मिट्टी को बाद में, देखिए जड़ें आ गई हैं बढ़िया इसमें। नीम की खली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शंका रहती है इसके पौधे में नीमाटोड की। नीम की खली पौधे को कीड़ों से बचाती है और साथ में बचाती है फंगस से। दोस्तों हम तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और जब तक हम ज़्यादा ताकत नहीं देंगे तब तक भाई साहब इसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं मुझे। और ये है, और इसमें थोड़ा सा, ये देखिए कितनी बढ़िया मिट्टी है, और देखिए जड़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, कि हमारे पास ये देखिए नीम की खली है और इसी को हम डालेंगे। नीम की खली मेरी खत्म हो रही है, ये हमने नीम की खली डाल दी इसमें, थोड़ा ऊपर से भी डालेंगे ऊपर वाला, ये अपना नीम की खली हो गई। और साथ में डालेंगे दोस्तों इसमें बोन मील, देखिए ये है बोन मील, ये बोन मील जो मैंने नीम में डाली थी वो अलग थी, ये थोड़ी अलग है, तो बहुत ही महंगी अच्छी थी, ये उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये ज़मीन में रहेगी थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। ये होगी बोन मील, साथ में हम डालेंगे सीवीट, सीवीट भी ऑर्गेनिक है, देखिए ये हम इसके कम से कम 50-60 दाने इसमें डाल देंगे। और साथ में एक फूड है हमारे पास, इसको माइक्रोफूड के नाम से जानते हैं, स्टेन कंपनी का है, और उसको भी इसमें डालेंगे और चुपचाप देंगे मिट्टी इसकी बंद कर। आप देखेंगे इसमें कितने अच्छे, देखिए हम इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे, लेकिन अगर हमें ऐसा किसी मौके पे महसूस होगा किसी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम ज़रूर वो उसको पूरा करेंगे।
और एक ही। हाँ दोस्तों, और उसके बाद हम देखिए ये पोटास है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक पोटास है। इसके भी मैं 25 दाने डाल दूंगा। पोटास की इसको बहुत ज़रूरत है, बिना पोटास के काम नहीं चलेगा। तो इतना करने के बाद हम इसकी मिट्टी को बस इसके ऊपर ऐसे ऐसे बराबर कर देंगे। देखिए अब इसमें बर्मी कंपोस्ट रह गई है, वो मैं 2-3 दिनों के बाद तो पुनः ढूंढूंगा एक बार, और जिससे कि इसकी थोड़ी खाना पूर्ति शुरू हो जाए। अभी इसमें खाद इसमें है ऐसे गोबर की, काफ़ी खाद, और जगह भी नहीं हमारे पास गमले में इतनी ज़्यादा है। तो फिलहाल इसको हम और इस पर लगा देंगे पानी। पानी लगाना ना भूलें, पानी लगाने से ही इसको ये कंटेंट प्राप्त होंगे। और इसमें हम जब वो लगाएंगे वर्मी कंपोस्ट, ये देखिए पोटास है, ऑर्गेनिक पोटास है, अगर हम इसमें जब लगाएंगे वर्मी कंपोस्ट, साथ में उसमें मोरंग भी थोड़ी मिला देंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। ऐसे जो हमने नीम की खली डाली है उसमें उसके कारण ये मिट्टी जमावड़ा नहीं लगाएगी, ये हम ध्यान रखें। तो आप लोग भी ध्यान रखिए इस तरह से। मेरा अपडेट, अभी मैं इस वाले गमले को भी लगा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें अभी अपने आप लगा दूंगा। तो ये हमारा अपडेट है अमरूद के पौधे का, कि ताइवान पुंक है ये, गमले में बहुत अच्छा होता है। इसने पिछली बार हमें 4-5 फल दिए थे, पिछले 1.5 साल का हो गया है। तो आप लोग भी इसको घर में लगाएं, और इसका फल बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट है दोस्तों। हमने इसको खा के भी दिखाया था, इसीलिए इसको हमने थोड़ा इसमें बड़ा गमला दिया, पहले छोटे गमले लगा था। और देखते हैं, प्लास्टिक गमले मैंने इसको लगाया है, पानी का ध्यान रखूँगा। तो और हाँ, एक चीज़ अभी इसमें और डालना है, देखिए फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा मैं अभी डालूंगा इसमें, ये बहुत ज़रूरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि इस समय मौसम जो है आ गया फंगीसाइड, थोड़ा सा मौसम ऐसे फंगस लगने वाला है, तो इसलिए मैं डाल, गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, ध्यान रखिए। केमिकल खाद का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें सिम्टम दिखेंगे, कोई ऐसा चीज़ हमें दिखाई देगा कि उसमें ऐसी कमी है, तो ये पोटास कमी होगी या वैसे हो, तो मैं स्पेसिफिक उसमें डालूंगा, फिलहाल भी मैं इसमें नहीं डालूंगा। देखते हैं दोस्तों, जब फल आते हैं, फल बनते हैं, तो आपसे ज़रूर अपडेट देंगे, बीच में मैं इसका अपडेट देता रहूँ। ये है ताइवान पिंक का पौधा, और बहुत ही खूबसूरत है, धूप में रखिए इसको आराम से, और फल बहुत जल्दी मिलेंगे, मई में इसमें फल निकल आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, राम के बगिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और पसंद करने के लिए।